हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी डॉक्टर डॉक्टर ज्योति। क्या आपके दांतों में खाना फंस जाता है जब आप खाना खाते हैं तब, और आपको बहुत अनईजी सा फील होता होगा? तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए अपने डेंटिस्ट के पास, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके दांतों को ठीक करने के। तो मैं अब आपको कुछ बातें बताऊंगी जिससे कि आप समझ जाएंगे कि आपको कब अपने दांतों में मसाला डलवाने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपको दांत के मॉडल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपके दांत को काटा जाता है तो कुछ इस तरीके से आपके जो दांत हैं वो दिखाई देते हैं। इसकी एनाटॉमी मैंने आपको समझाई है अपने पहले के वीडियोज़ में, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन को क्लिक करके उसकी एनाटॉमी आप देख सकते हैं। अगर आपके दांत में जब कीड़ा लग जाते हैं तो आपके दांतों की कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाती है। दांतों में कीड़ा कभी ऊपर से भी लग सकता है, कभी साइड से भी थोड़ा सा लग सकता है, या फिर ये इस तरीके से जो बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन दिख रहा है ऐसे भी लग सकता है। इसकी वजह से दांतों के नीचे जड़ों में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप टेंशन ना लीजिए, आप जाइए अपनी प्रॉब्लम्स को दिखाइए। जैसे कि अगर आपके दांत में इनकेस ऐसे कीड़े लगे हों जो बहुत ऊपर से एकदम थोड़े से दिखाई दे रहे हों, उसको अगर हम समझें, अगर काटें तो कुछ इस तरीके से थोड़े से कीड़े यहाँ पे लगे हों या यहाँ पे थोड़ी कैरीज लगी हुई हो, तो इस कंडीशन में आराम से उसको क्लीन करके आपके दांतों में मसाला डाल दिया जाता है। मतलब आपके दांतों की फिलिंग कर दी जाती है, आपके दांत हेल्दी हो जाते हैं, आप उसके ऊपर आराम से खाना खा सकते हैं। नहीं तो अगर आपके कीड़े कुछ इस तरीके से थोड़े और ज़्यादा लग चुके हैं, फिर भी आपके नसों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, इस तरीके से आपके नस बिल्कुल हेल्दी हैं, लेकिन कीड़ा कुछ ज़्यादा लग गया है, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस कंडीशन में भी मसाला डाला जा सकता है और आपके दांत बच सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं आपको जब आप खाना खाते हैं खाना फंसता है और आपको कभी कभी दर्द भी स्टार्ट हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी या ठंडे पानी या गर्म पानी के साथ होने लगती है, तो थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर इस तरीके से आपके कीड़े कुछ ज़्यादा स्प्रेड हो जाए, आपकी नसों को डैमेज कर दे, जैसे इस तरीके से यहाँ पे आपकी नसें डैमेज हो चुकी हैं, ऊपर से भी कीड़े लग चुके हैं, तो इस कंडीशन में आपको RCT करना पड़ जाएगा अपने दांतों की। RCT से भी आपके दांत बच सकते हैं। RCT की पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए आप ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक करके उसकी पूरी वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपके दांत में खाना फंस रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, आपके डेंटिस्ट आपके दांतों के हिसाब से आपको फीलिंग प्रोवाइड करेंगे, अच्छी फीलिंग कर देंगे और आपके दांत आगे किसी और पैथोलॉजी के लिए तैयार नहीं रहेंगे, बच जाएंगे, ठीक है। और अब हम ये भी बात करेंगे कि फीलिंग कई तरह की होती है। जैसे कि अगर आपको चाहिए कि आपके दांत जैसे चमक रहे हैं, फीलिंग आपकी उस तरीके की हो, तो उसके लिए आप GIC फीलिंग करा सकते हैं। वो आपको बताया जाएगा। GIC मीन्स ग्लास आइनोमर सीमेंट होता है, जो कि बिल्कुल दांत के कलर का दिखाई देता है। इस फीलिंग में क्या होता है कि आपको 3 घंटे तक या 4 घंटे के बाद फीलिंग करने के बाद आपको थोड़े प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, थोड़ा सा खाने पीने के लिए आपको मनाही की जाती है। आप अगर चाहते हैं कि मेरी फीलिंग तुरंत सेट हो जाए, मैं अभी तुरंत आधे घंटे के बाद ही अपने खाना या फिर कुछ ले सकूं, तो उसके लिए आपको कंपोजिट रेजिन की फीलिंग करानी पड़ेगी। वो भी आपको डॉक्टर बता देंगे कि आपको क्या आपके लिए सही रहेगा। इसके अलावा कुछ फीलिंग जो होती है वो दिखती अच्छी नहीं है, पर उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे उसको अमलगम फीलिंग या सिल्वर की फीलिंग कहते हैं। ये फीलिंग जो होती है वो अक्सर पीछे वाले दांतों में की जाती है, पीछे के जो चह होते हैं, जैसे इस तरीके से ये जो चह होता है, मोलर्स होते हैं, इसमें वो फीलिंग की जाती है, जो कि देखने में थोड़ा सा जरूर ही खराब सा दिखाई देता है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ काफ़ी होता है और आप उसके ऊपर आराम से खाना खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले के ज़माना में शौकिया लोग
सोने की फीलिंग भी कराया करते थे, जो कि देखने में अनएस्थेटिक होता था, खूबसूरत नहीं दिखता था, पर लोग पसंद करते थे और किया जाता था। और आपके दांतों में अगर बहुत ज़्यादा दो चार जगह से, दो चार सरफेसेस से, जैसे ऊपर की वजह से, ऊपर से भी कीड़ा लगा है, साइड से भी लगा है, दो दांतों के बीच से भी लगा है, तो उस कंडीशन में आप अपने दांतों की कैपिंग भी करवा सकते हैं। कैपिंग भी कई तरह की होती है, वो आपके डेंटिस्ट आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी कैपिंग सही होगी। तो वेट ना कीजिए, लेट ना कीजिए। अगर दांतों में कीड़े लग रहे हैं या दांतों में आपके खाना फंस रहे हैं, तो आप जाइए अपने डेंटिस्ट के पास और उसमें मसाला डलवाइए, उसमें फिलिंग कराइए, रेस्टोरेशन भी कहते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, अपने दांतों का ख्याल रखिए, बस इतना ही। बाय बाय।